स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट एमपी पुलिस का फिजिकल दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो पहले तो बाबा सभी पर कृपा बनाए रखें और आपका जो सपना है वर्दी का, आपका सपना साकार हो। सुबह सुबह जॉगिंग करने के बाद घूमते हुए हम पहुंचे मंदिर, और आज का जो वीडियो है ये होने वाला कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, सर इतने नंबर है, इतना स्कोर हमारा हो रहा है, ये कैटेगरी है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, हम फाइनल कट ऑफ तक पहुंचेंगे या नहीं। तो देखो, फाइनल कट ऑफ हमने अनुमान जैसे पहले बात की थी और कई सारे लोगों ने बात की कि यार 150 के अराउंड अगर आपका स्कोर है या 148-149 तो हो सकता है फाइनल तक पहुंच जाएं। कैटेगरी की बात हमने नहीं करी थी क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे 150 या 150 प्लस भी पहुँच चुके हैं उनका भी हम फाइनल नहीं बोल सकते, और जो 145 पर है उनका भी फाइनल हम लोग नहीं बोल सकते। पर जिनका 150 के आसपास स्कोर था, एक अनुमान है कि हाँ इतने पर सिलेक्शन हो सकता है, इतने पर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल हमें वर्दी मिल जाएगी। क्योंकि अभी मेन जो चीज़ है वो है नॉर्मलाइजेशन, और उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि आपका नंबर कितना बड़ा है, कितना घटा है। सपोज करो अगर आपने 70 या 80 स्कोर भी किया फिजिकल के अंदर, और अगर आपका उधर स्कोर जो है एग्जाम का उसमें अगर नंबर कम हो जाता है तो आपका फाइनल स्कोर भी कम हो जाएगा। अगर नंबर बढ़ जाता है, फिजिकल में कम स्कोर है तो आपका नंबर बढ़ भी जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या कंडीशन रही नॉर्मलाइजेशन में, क्या आपके पेपर का लेवल था, कितना स्कोर आपका बढ़ा है, कितना स्कोर आपका घटा है। तो आपका फिजिकल होने वाला है या फिजिकल हो चुका है, तो भाई लोग जो भी आपका स्कोर रहा हो, 150 या 145 या 148 या 150 प्लस हो, आप नेक्स्ट एग्जाम जो भी आने वाली है उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। जब आपका कट ऑफ लिस्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा कि फाइनल